दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों आज मैं आया हूँ नागपुर के नागलोक में, और अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी ड्रैगन पैलेस गया था, ड्रैगन पैलेस का थोड़ा बहुत शूट लिया, और रास्ते में ही पड़ता है नागलोक, और नागलोक में गौतम बुद्ध की बहुत ही बड़ी प्रतिमा है जो कि आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी आप देख सकते हो मैं नागलोक के परिसर में आ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि बाहर थोड़ा यानी ट्रैफिक था तो उसके वजह से मैं अंदर आया और अंदर आके शूट ले रहा हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ आपको लाइटिंग ही लाइटिंग देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे महान अशोक सम्राट का स्तंभ आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, यानी हिंदी इंग्लिश यहाँ पे कुछ लिखा भी है, और लाइटिंग देखिए यहाँ की। और दोस्तों आप सभी को बता दूँ अभी यहाँ पे लाइटिंग इसने बड़े पैमाने पे इसलिए लगी है क्योंकि नागपुर का जो ड्रैगन पैलेस है और आज के ही दिन उसका यानी उद्घाटन हुआ था, तो उसके उपलक्ष में ये पूरा जितना भी कुछ है सजाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है, और यहाँ पे लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा, और ये पूरा गार्डन एरिया है। दोस्तों इस साइड में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और साथ ही साथ अभी रात का समय है तो रात के समय और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे भारत का संविधान दर्शाया गया है और यहाँ पे लिखा भी गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और नीचे फूल्स है, तो मैं आपको पूरा दूर से व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और दोस्तों आप कभी भी यहाँ पे नागपुर में आओ तो नागलोक ज़रूर आना दोस्तों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, और एक हिस्टोरिक प्लेस भी है। और यहाँ से देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दोस्तों। सो दोस्तों आप देख सकते हो अभी हम यहाँ से चलते हैं भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने के लिए, तो चलिए हम चलते हैं देखते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप कभी ऐसी हिस्टोरिक प्लेस में कभी रात के समय ऐसी आए हो, क्योंकि ऐसे अपन किधर भी जाते तो हमें बहुत डरावनी जगह लगती है, ठीक है, ऐसे अकेले घूमने में अपने को ऐसा लगता है कि हंटेड प्लेस पे आ गए, बट यहाँ पे आने के बाद ऐसा आपको कुछ फील ही नहीं होगा, मन आपका बहुत ही शांत है, बहुत ही यानी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो मेरे चारों तरफ देखिए, मैं पूरा कैमरा घुमाता हूँ और चारों तरफ देखिए यहाँ पे नहीं कोई है, नहीं बंदा, नहीं बंदे की जान, मैं हूँ और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है, और हमारे सिवाय यहाँ पे कोई भी नहीं है, तभी भी बहुत सुकून महसूस हो रहा है, डर इतना सा भी नहीं, काफ़ी यानी रात का समय हो चुका है। सो यहाँ पे बंदी है शायद, सो चलिए देखते हैं, बंदा है का बंदा है। क्या मेडिटेशन वाला है। सो दोस्तों आप देख सकते हो मेडिटेशन हॉल है, पर अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उसके वजह से बंद है। कभी दोस्तों मैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं दिन के समय आऊँगा और यहाँ का जितना भी है पूरा प्लेस आपको अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। बट गाइस आज की भी जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों अभी हम जाते हैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सच में यार मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो बहुत ही यानी प्यारी यानी प्रतिमा लग रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दूर से। सो ये देखिए अभी मैं दूर पे हूँ तो दूर से ऐसा नज़ारा आता है, चलिए नज़दीक चलते हैं, नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। प्यारे लिखा है यहाँ पर मोमबत्ती अगरबत्ती ना जलाए, सो सही बात है। सो यहाँ से आप प्रतिमा देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और हम ऊपर भी जाएंगे, ऊपर से मैं आपको पूरा सीन दिखाऊंगा, बट यहाँ से आप देखिए बहुत ही खूबसूरत। सो सच में गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको प्रतिमा कैसी लगी है। चलिए अभी हम चलते हैं ऊपर, और चारों तरफ देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, उस साइड में भी आपको अंधेरा दिखेगा, इस साइड में भी अंधेरा है, इस साइड में भी, इस साइड में भी, चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, और इन सब के बीच में आप ये देखिए, ये सीन देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो चलिए दोस्तों अभी हम डायरेक्ट ऊपर चलते हैं और ऊपर से मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ और ऊपर से मैं आपको आगे का भी सीन दिखाऊंगा और मूर्ति का भी सीन दिखाऊंगा, जितना भी है वहाँ का प्लेस है पूरा दिखाऊंगा। अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं चप्पल उप्पल निकाल के, फिर मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी हम चढ़ते हैं ऊपर और ऊपर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ियाँ है और यहाँ से सीन देखिए। चलिए पहले मैं आपको पूरा नज़दीक लेके चलता हूँ, पूरा नज़दीक लेके चलता हूँ और नज़दीक जाने के बाद आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा गाइस, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। और तथागत भगवान गौतम बुद्ध की यहाँ पे बहुत ही बड़ी विशाल प्रतिमा है, तो वो भी देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगेंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सो यहाँ पे देखिए मैं इतना हूँ, मेरी हाइट आप देख सकते हो, खड़ा हूँ बैठा नहीं हूँ। और मूर्ति देखिए, मैं पैर तक भी नहीं पहुँच पाया हूँ, ठीक है। अभी मूर्ति तो बहुत ही बड़ी है, देखिए बहुत ही बड़ी मूर्ति है। तो सबसे पहले मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ, फिर हम प्रतिमा को देखेंगे। सो दोस्तों यहाँ से आप सीन देखिए, रात का समय है और लाइट्स यहाँ से पूरी गेट तक लाइट्स इतनी प्यारी और इतनी सुंदर लग रही है। सो बहुत ही यानी जबरदस्त प्लेस दोस्तों। यहाँ पे चारों तरफ आपको गमले देखने को मिलेंगे, पर्यावरण के हिसाब से यहाँ पे यानी पूरे पौधे लगाए गए हैं। और अभी यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, पहले मैं आपको सादे कैमरे से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वाइड एंगल से दिखाऊंगा। सो ये देखिए, सो देखिए कितनी प्यारी मूर्ति लग रही है दोस्तों। आप ज़रूर कभी भी नागपुर आओ तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना और यहाँ का सीन ज़रूर देखना, और रात के समय तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी वाइड एंगल में दिखाता हूँ। सो दोस्तों अभी मैंने अपने कैमरे को वाइड एंगल में कर लिया और वाइड एंगल में अभी हम देखेंगे प्रतिमा को। सो वाइड एंगल में देखिए, चारों तरफ आपको यहाँ पे गमले देखने को मिलेंगे जहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। और यहाँ से हम ऊपर देखेंगे तो देखिए गाइस, और ये पेड़ देखिए, ये पेड़ से भी बड़ी आपको यहाँ पे मूर्ति दिखाई देंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है। सो ये एक हिस्टोरिक भी जगह है, इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री है जो कि मैं आपको कभी फुर्सत से बताऊँगा जब मैं दिन के समय आऊँगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दान पेटी है और यहाँ के सीधे में आपको मूर्ति देखने को मिलेंगी। और यहाँ से फ्रंट में अगर आप देखोगे तो आपको फ्रंट में यहाँ पे गेट देखने को मिलेगा, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। सो दोस्तों अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे रात के समय, अभी मैं आऊँगा दिन के समय। जब दिन में आऊँगा तो मैं आपको यहाँ की पूरा प्लेस दिखाऊँगा, यहाँ का गार्डन से लेके आपको हर एक प्लेस घुमाऊँगा। बट आज के लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि रात को आया था और मुझे भी रास्ते में मिला, यानी रास्ते में दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो यार यहाँ का हल्का सा व्लॉग शूट कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा और मैं आपको दिन के समय यहाँ का जितना भी व्यू है ज़रूर दिखाऊँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।